वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पाई रजाए सुनाई सिरु रथुवति बेग बनाए गयो जहां बाहर नगर सिए सहित दो भाई। सुमन जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रचिड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। जय सियाराम। दोस्तों भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। तो हमने सुना कि राजा दशरथ जी ने पिछले वीडियो में ये आज्ञा दी है सुमन जी को कि रथ रथ लेकर जाइए क्योंकि राम लखन सीता वन के लिए निकल चुके हैं, नगर के बाहर पहुंच चुके हैं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि आप जाइए और दोनों भाइयों को समझा बुझला कर चार दिन सैर करवा कर जंगल की वापस ले आइए। और उन्हें पता है कि उनके राम लखन नहीं आएंगे तो वो कहते हैं कि मेरी बहू सीता को ही ले आना, यदि वो जंगल देखकर डर जाए तो तुम भी मौके पर ये बात जरूर सुनाना कि तुम्हारे सास ससुर तो पहले ही कहते थे बेटिया ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है जंगल में, तुम घर चलो, तुम्हें कोई बंदिश नहीं है कि तुम ससुराल में रहो, तुम्हारा जितने दिन मन करे उतने दिन ससुराल में रहना और कुछ दिन पिता के घर भी चले जाना, जैसे तुम्हें इच्छा वैसा करना, लेकिन वन में मत जाओ। तो अभी सुमन जी आ चुके हैं। तब सुमंत नृप बचन सुनाए करी विनती रथ राम चढ़ाए। सुमन जी ने राजा के वचन राम को सुनाए और विनती कर उनको रथ में चढ़ाया। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई चले हृदय अवध सिरनाई। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। उनको ये कहा गया ना कि चलो मैं आपको वन तक तो छोड़ दूं। चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथा। राम जी के जाते हुए अयोध्या अनाथ हो गए देखकर सब लोग व्याकुल हो गए और साथ हो लिए विकल लोग लगे साथा। कृपा सिंधु विधि समुझावी फिरी प्रेम बस पुनि फिर आवी। कृपा के समुद्र राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे लौट जाते हैं परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागती अवध भया विनि भारी मानव काल राती अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी डर पही कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है मानो अंधकार कल रात्रि हो रही है और नगर के नर नारी भयानक जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसाने परिजन जन भूता सुत हित मीत मनुज मधुता। बागन बिटप बोले कुम्हलाई सरित सरोवरे देखी न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितेश और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बागों में वृक्ष और बेले कुमला रही हैं, नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं उनकी ओर देखा भी नहीं जा रहा है। गह कोटिन केले मृग पुर पशु चातक मोर पिंकर थांग सूक सारिका सारस हंस चको। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए चरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सरस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जहते मनु चित्र लिखी काड़े। राम जी के वियोग में सभी जहत है चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं जैसे कि तस्वीरें हो और उनमें जान ना हो। नगर सफल बनु गह बर भारी खख मृग विपल सकल नर नारी। नगर निवासियों में सब स्त्री पुरुष उदास हैं, पशु पक्षी थे, अवधपुरी अर्थ धर्म मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी परंतु स्त्री पुरुष सुख से फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई कि रात निकीनी जे ही दब दुसे दुसु दिस दीनी। सही न सके रघुवीर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने ककई को भिलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में भयानक आग लगा कर दी। श्री राम जी के विरह इस अग्नि को लोग सह ना सके सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभी विचार उकीन मन माही राम लखन सी बिन सुख जनाही।
जहाँ राम तहँ सबो समाजु, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजु। सबने मन में विचार कर लिया कि राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी का बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनी, विषय भोग बस करें कितनी। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों के पूर्ण घरों को छोड़कर सब राज रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। और जिनको राम जी के चरण प्यारे थे उन्होंने क्या कभी विषय भोगों के वश में कर सकता है? कोई बिल्कुल भी नहीं, वो तो राम के पीछे पीछे जाएंगे। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तिरनिवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे बूढ़े घरों को छोड़कर सब लोग राम जी के साथ राम जी के पीछे पीछे चल दिए। पहले दिन तमसा नदी के तीर पर उन्होंने निवास किया, क्योंकि पहले स्टे करना पड़ता था ना। आज की तरह ज्यादा ट्रांसपोर्ट तो तेज थी, समय लगता था और पैदल भी थे। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनायत गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। प्रजा के प्रेम बस देकर रघुनाथ जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी की करुणा में ही प्राय पीर को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सब प्रेम मृद वचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे ना फिरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन सुनकर कहकर राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लटाए लौटते नहीं। सील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुनाई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील स्नेह छोड़ा नहीं जाता, राम जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़े हैं कि अब क्या करें, इनको साथ तो लेकर नहीं जा सकते ना। शोक और परिश्रम के मारे लोगों सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामन बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मार रतु हाकू तात, आन उपाय बने नहीं पाता। जब दो पहर रात बीती तो सब गहरी नींद में हो जाते हैं अधिक रात को। तब राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्र सुमन से कहा, तात रथ के खोज मार कर अर्थात पहिए के चिन्हों को दिशा का पता ना चले। इस प्रकार रथ को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन से जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। शंकर जी चरणों में सिर नवाकर राम लखन सीता रथ पर सवार हुए और मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। मतलब ऐसा घेरा बनाकर घुमाकर से रथ चलाया कि टायरों के पहियों के निशानों से भी ये ना पता लगे कि ये रथ किस दिशा में गया था और वो लोग उस दिशा के पीछे चल दें। जागे सगल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतु नहीं पावई, राम राम कहीं चहुं दिसि धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा के रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनु बारिण दि बहु जहाजु, भयो बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक दही अपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। समुद्र में जहाज डूब गया, व्यापारी समुदाय बहुत व्याकुल हो उठा हो, इस प्रकार का माहौल हो गया है। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि राम जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया कि हमारा भला सोचकर छोड़ कर गए हैं। नींद ही आप सराही मीना, दिग जीवनो रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनो न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हुए मछलियों की सराहना करते हैं कि राम जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का भी योगी रचा है तो फिर से मांगने पर मृत्यु की नहीं दी। एह विधि करत प्रलाप कलापा, आय अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना,
अवधि आस सब राखी प्राणा। इस प्रकार दुख बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम योग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही प्राण रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करण नर नार, मनु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमार। स्त्री पुरुष राम जी के दर्शन के लिए नीम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सिर देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता और मंत्री से दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे हैं। वह गंगा जी को देखकर राम जी रस से उतर पड़े और हर्ष के साथ उन्हें दंडवत की। तो आप सबको पता होगा कि श्रृंगवेरपुर वो जगह है जहां पर उनको निषाद राज मिलते हैं। लखन सचिव सीए किए परनामा, साहिब साहित्य सुख पायो रामा। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सुला। लक्ष्मण जी सुमन जी सीता जी ने प्रणाम किया, सबके साथ राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त नंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलोक गंग तरंगा। सचवें अनुज प्रिय सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए राम जी गंगा जी के तिरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण और प्रिया सीता को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा सुनाई है। मज्जनु कीने पंत श्रम गेउ, सूचि जलु पियत मुदित मन भेउ। सुमृत जाय मिठे श्रम भारु, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारु। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा थकावट दूर हो जाए और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता हो, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शूद्र सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के तु, चरित करत नरे अनुहरत संसृत सागर से। प्रकृति जड़ त्रिगुण से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान राम जी ने मनुष्य को दृश्य से चित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र को पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुध ग्रह यह सुधि गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंद बलाई। किए फल मूल भेंट भरी बारा, मिलन चले ही हर्ष अपारा। जब निषाद राजगु ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल मूल लेकर उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु विलोकते अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। रघुनाथ जी के स्वाभाविक होकर दर्श देख देकर उसे पास बिठाकर कुशलता पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरने धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, नाथ आपके चरण कमल के दर्शनों से एक ही कुशल है। आपके चरण बिंदु का दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। देव यह पृथ्वी धन और सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करें पुर धारे पाऊ, थापे जनो सब लोग सिहाऊ। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहे दिन पितु आए सुहाना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, लोग मेरी भाग्य की बढ़ाई करें। राम जी ने कहा, सुजान सखा तुमने कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिता ने मुझको और ही आज्ञा दी है। वर्ष 4-10 वासु बन मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वासु नहीं उचित सुनी गुई भयो दुख भार। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत भी धारण करना है, मुनियों की तरह आहार ग्रहण करना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर भू का बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे स प्रेम ग्राम नर नारी। हे पितु मात कहो सुख कैसे, जीन पठे बन बालक ऐसे।
राम लखन सीता के रूप देखकर गांव की स्त्री पुरुष से चर्चा करती है कि सखी फिर मात्र पिता कैसे हैं जिन्होंने इनको वन में भेज दिया। एक कहीं भर भूपति की ना लोए लाहू हमें विधि दीना, तब निषाद पति उरी अनुमाना, तरु सिन सूप मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा किया, ब्रह्मा ने नेत्रों को लाभ दे दिया, इसी बहाने हमने इनके दर्शन तो कर लिए और ये कुछ देर हमारी ओर ठहरेंगे तो सही, तो अशोक के पेड़ के उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लैल गुनाथ ठाऊं दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा, पुरजन करे जोहारे घरे आए, रघुबर संध्य करण सिधाए। तब रघुराज जी को ले जाकर स्थान दिखाया, राम जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है और लोग जोहार वंदना करते हुए अपने अपने घर लौटे। राम जी संध्या करने पधारे, घूं सवार सांत हरी डसाई, गुस किस लय मैं एक मृदल सहाई, सूची फल मूल मधुर मृद जानी, दोना भरे भरे राखे पानी। इसी बीच कुछ कोमल पत्तों की कोमल सुंदर सात्री से जाकर बिछा दी, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों भर भर कर फूल फल फूल मूल और पानी रख दिए, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मनी पाए पलोटत भाई। सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल खाकर रघुकुल मुनि राम जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सचिव सोवन मृद बानी, कछुक दूर सजीवान सरासन, जाग लगे बैठे बिरासन। फिर प्रभु श्री राम जी सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमन जी सोने के लिए कहकर माँ से कुछ दूर वन धनुष बाण से सजकर बिरासन में बैठ जाने के लिए बैठने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हमारी आज की वीडियो में हमने कथा में सुना कि सिया राम जी लखन के साथ वनवास में आ चुके हैं और यहाँ पर निषाद रास मिले हैं और उन्होंने फल फूल कंदमूल भेंट किए हैं प्रभु श्री राम को। और आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी अगली वीडियो के लिए। जय श्री राम।